तुषा खाना केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। 10 मई को अदालत तलब डिस्ट्रिक्ट एम सेशन कोर्ट ने तुषा खाना केस में इमरान खान को जाती हैसियत में 10 मई को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एम सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तुषा खाना केस की समाअत एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने की। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि तुषा खाना केस के काबिल समाअत होने पर दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त इलेक्शन एक्ट सेक्शन 190A के तहत दायर की गई। सेशन अदालत तुषा खाना केस की बराह रास्त समाअत नहीं कर सकती। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का शिकायत करना इलेक्शन एक्ट सेक्शन 190 के खिलाफ विजवी है। मजिस्ट्रेट केस ना सुने लेकिन इसके पास केस जाने के बाद सेशन अदालत जाना चाहिए। इलेक्शन एक्ट के तहत शिकायत बराह रास्त आए तो सेशन जज समाअत मुलतवी तक नहीं कर सकता। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सेशन अदालत को 3 माह के अंदर करप्ट प्रैक्टिस का फैसला करने का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की डायरेक्शन दी। इलेक्शन एक्ट 190 के तहत फौजदारी कार्रवाई की शिकायत फाइल करना गैर कानूनी नहीं। शिकायत दायर की गई और तुषा खाना केस की समाअत होती रही। दोनों दरख्वास्तें केस को ताखीर का शिकार बनाने के लिए है।